हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे आपका टोकोफोर लार्वा। क्या कहता है टोकोफोर लार्वा, देखेंगे इसी नेरिस के नेक्स्ट क्लास में। ये नेरिस का लास्ट वीडियो होने वाला है टोकोफोर लार्वा। इसके पहले हमने देखा था लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो उसका क्लास आपको मिल गया होगा एंड आप उसके नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज के क्लास में जो हमारा टोकोफोर लार्वा है, पहले इसके हम पॉइंट्स की बात करेंगे। हमारे पास 3 पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टोकोफोर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिया है टोकोफोर का। पहले इसको हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे इसके मेटामॉर्फोसिस में कि मेटामॉर्फोसिस टोकोफोर में कैसे होता है। एंड थर्ड नंबर पे देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, आखिरकार टोकोफोर जो लार्वा है उसका महत्व क्या है हमारे जूलॉजी में, खासकर हम बात कर लें अपने इसी नेरिस चैप्टर में। तो हमने कुल 8 लेक्चर क्लास अपलोड कर चुके, मतलब इसको लेके 8 लेक्चर क्लास हो जाएगा हमारे इसी नेरिस के क्लास में। इसके बाद हम नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहले हम टोकोफोर लार्वा के स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये देखा जाएगा कि आखिरकार जो हमारा टोकोफोर लार्वा है ये कैसा है। कुछ जितने भी पॉलीकीट होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीकीट एनिमल्स जितने भी होते हैं उनमें एक लार्वा कंडीशंस होता है। लार्वा कंडीशंस में एक ऐसा कह सकते हो चाइल्ड लार्वा या चाइल्ड लार्वा के जैसा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आपके अपने इसी वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके हूँ आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 5 नंबर में लगातार पूछता रहता है। तो 5 नंबर के लिए आज के क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नेरिस। नेरिस का आज हमारे पास है टोकोफोर लार्वा, कि हमारे पास टोकोफोर लार्वा क्या कहता है, जो नेरिस वायरेंस हैं उसमें टोकोफोर किस स्ट्रक्चर से साथ आता है, और जो हमारे पॉलीकीट होते हैं, ठीक, हमारा जो ऑर्डर पॉलीकीट है, पॉलीकीट में किस किस टाइप के टोकोफोर आते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, सबको डील करेंगे आज की क्लास में। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। यदि ये आपको तो मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, मैंने 2 क्लास YouTube पे दिया था एंड ये क्लास भी YouTube पे मिलेगा। बाकी जो 4 क्लासेस हैं वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। कुछ जो क्लासेस होते हैं मैं पर्टिकुलर क्या करता हूं उसको डेमो के बेसिस पे YouTube पे प्रोवाइड करता रहता हूं। यदि आपको मेरा क्लास YouTube पे बेहतर लग रहा है तो आप हमसे हमारे साथ जुड़िए, पूरे एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे अपने वीएनआर क्लासेस के एप्लीकेशंस के साथ। लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उसके साथ जा सकते हैं एंड स्टोर में हमारे क्लासेस होंगे एंड हमारा ये पूरा जो ये पूरा वीडियो मिलेगा। इसकी जो सीरीज है उसका नाम है हायर नॉन कोडेटा। हायर नॉन कोडेटा का एक कोर्स दिखाई देगा अगले साल से। जितने भी मेरे कोर्स हैं 2021 के सीजन से जितने मेरे कोर्स हैं सब के सब 365 के हो जाएंगे। मतलब एक क्लास 1 रुपए से कम पड़ेगा आपका, 1 रुपए पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। काफी ज्यादा पैसा नहीं है, 365 कोई ज्यादा नहीं होता एक पेपर के लिए। आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे 500 रुपए पर महीना देते हैं एक पेपर का, यहाँ 365 रुपए में आपको पूरे साल में मिलेगा। 2021 के सीजन से स्टार्ट होगा क्योंकि बच्चे मेरे पास ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा जब बच्चे जुड़ते हैं तो हम प्रॉफिट लेस कर देंगे अपने कोर्सेस में, ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसको विजिट कर पाए। चलते हैं आज बढ़ लेते हैं पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टोकोफोर को। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में ये देखा जाएगा स्टूडेंट की जितने भी मेरे टोकोफोर्स होते हैं कुछ ऐसे पॉलीकीट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीकीट एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे, या पॉलीकीट में अंडे से जब बाहर की ओर कोई भी चाइल्ड बाहर निकलता है तो एक स्पेशल, अंडे से जैसे ही बाहर निकलता है एक स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, स्पेशल ऑरेंज के साथ या फिर अरेंजमेंट के साथ, या कह सकते हो कि स्पेशल कलरेशन, स्पेशल बॉडी के साथ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकोफोर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफोर बोलते हैं। कभी आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमारे जो कुछ पॉलीकीट एनिमल्स होते हैं, पॉलीकीट एनिमल से इग के बाहर जो लार्वा कंडीशन छोटा सा चाइल्ड निकलता है, जो एक स्पेशल सिम्टम्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल बॉडी रखता है, उस लार्वा को हम लोग टोकोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम टोकोफोर बोलते हैं। आखिरकार ये जो विशेषता होती है, जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये पॉलीकीट में ही पाया जाता है। क्या होता है? पॉलीकीट में भी पाया जाता है, लेकिन कभी कभी मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, उनमें भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए
मिल जाता है। इस चीज को आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मोलस्का एंड अदर जो हमारे फाइलम है उनके बीच भी टोकोफोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये तो हुआ इंट्रो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में ये देखेंगे मेरे पास एक आउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, एंड आपके लिए आपके बुक यदि आप कोई रिफर होगा तो भी आप मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीजन मेरा 2022 में बुक आ रहा है जूलॉजी के सारे सीजन्स के लिए, सारे पेपर्स के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपको तीनों साल के तीनों पेपर मिलेंगे। नेक्स्ट सीजन 2022 से मेरे बुक आपको मिलने लगेंगे आप पूरे इंडिया भर में। ओके, तो यहां पे बात कर रहे थे हम पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में क्या दिख रहा है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे माउथ की। क्या करेंगे यहाँ पे, माउथ की बात करेंगे। ये माउथ सेक्शन होता है जहां से ये जिस भी वाटर में जिस भी समुद्र में मैराइन में ये फ्री स्विमिंग करता है, वहां पे क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर यहां से इंटर कराते रहता है। ये होता है उसका ओसोफेगस एरिया। ओसोफेगस एरिया आप जानते हैं जैसे मेरे बॉडी के अंदर जो मेरा फूड पाइप है, फूड पाइप के जैसा इनके बॉडी में क्या होता है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये ओसोफेगस होता है। उसके बाहर अब अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो ओसोफेगस के बाहर की तरफ हमारे तीसरे नंबर पर आता है स्टमच में यहाँ पे केमिकली प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्टमच में केमिकली प्रोसेस होता है। इस केमिकली प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा जो भोजन है, डाइजेशन पूरा इनका कंप्लीट होता है। यानी ये कह सकते हो कि माउथ के द्वारा जो भी छोटे छोटे डाइटम्स आए हैं वो ओसोफेगस से होते हुए दूसरे नंबर पे ओसोफेगस से होते हुए वो स्टमच में चले जाते हैं। जब वो स्टमच में चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा भोजन आया हुआ है उनमें वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड होता है। यहाँ पे टू टाइप्स की बैंड होती है, ये पेपर में आता रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि हमारा जो टोकोफोर लार्वा होता है, टोकोफोर लार्वा में टू बैंड्स होते हैं, उनके पेयर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप बताओगे कि प्यूरल सिलेटेड बैंड होती है और पोस्ट ओरल बैंड असिलेटेड बैंड होते हैं। सिलेटेड का मतलब है यहाँ पे कि इनकी बॉडी में क्या होती है, सिलिया लगी होती है, आप देख पा रहे होंगे जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिलिया, सिलेटेड। यानी ये सिलिया के जैसे स्ट्रक्चर्स के साथ होते हैं, सिलेटेड आते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। एंड बात करें अगले पॉइंट्स की तरफ, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं नेफ्रेडियम। क्या बोलते हैं, नेफ्रेडियम। इसको हम लार्वल नेफ्रेडियम कहते हैं। आगे चल के जब यही लार्वा कंडीशन डेवलप होगा तो ये नेफ्रेडियम में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, नेफ्रेडिया में बदल जाएगा। अभी ये किसमें है, अभी ये लार्वल नेफ्रेडिया में है। ये क्या करता है, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हैं उनको बाहर की ओर निकालने का काम करता है। क्या करता है, बाहर की ओर निकालने का काम करता है लिक्विड टेंडेंसी में। एंड बात करेंगे जब हमारा भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारा स्टमच नीचे की ओर मटेरियल को ट्रांसफर करेगा यहां से, तो हमारे पास आ जाएगा एस्टेंटाइन। क्या आ जाएगा, एस्टेंटाइन। यहां पे लार्ज एस्टेंटाइन एंड स्मॉल एस्टेंटाइन कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है, केवल एस्टेंटाइन ही पाया जाएगा। ओके, तो यहां से एस्टेंटाइन से होता हुआ यहां पे पूरे पूरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एब्जॉर्बेशंस एंड क्या एब्जर्वेशंस का पूरा प्रोसेस हमारे एस्टेंटाइन में होता है। यहाँ से जो भोजन होते हैं उनके जो जितने भी मिनरल्स मटेरियल्स हैं उनका कह सकते हो एब्जर्वेशन हो जाता है कहाँ पे, इन्हीं एस्टेंटाइन में। फिर उसके बाद यहाँ पे एनस दिखाई दे रहा है, एनस से पूरे पूरे मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। एंड बात करें और अगले पॉइंट की तरफ तो हमारे पास आता है यहाँ पे ब्लास्टोसीलिक। क्या होती है, सिलोमिक टेंडेंसी है। क्या है, सिलोमिक टेंडेंसी होती है ब्लास्टोसील एरिया का। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे गैंग्लिया का, मतलब आप समझ रहे हो कि ये नर्वस सिस्टम जैसा एरिया होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम जैसा एरिया होता है, उसी के ठीक ऊपर हमारा एपिकल प्लेट लगा होता है एंड ठीक उसके ऊपर यहाँ पे हमारा सिलिया जैसे एपिकल, इसको टूफ बोलते हैं, टूफ ऑफ सिलिया। यही आगे चल के कह सकते हो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हेड का कॉम्बिनेशन बनाता है। यानी हेड का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी एपिकल प्लेट जो हमारा है वहीं आगे चल के हमारे पास किसका, हेड का शीर्षक या हेड का पार्ट बना लेता है। एंड बात करेंगे प्यारा सा हमारे पास क्या दिखेगा, इसकी अखियां दिख जाएंगी, प्यारी प्यारी आंख होगी, एक आंख ही दिखाई देता है ऐसा बोलता है, लेकिन वह टू आईज कंप्लीट होते हैं इसके बॉडी के अंदर, यानी टू पेयर और वन पेयर आईज भी इनके बॉडी में दिखाई देगा। एंड ये तो हुआ आउट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहा है इतना। अब बात करते हैं ये होगा कैसा,
देखो ये एक छोटा सा एनिमल है, काफी छोटा सा होगा, क्या होगा, काफी छोटा सा होगा, सिलिया होगा, और ये नॉन सिगमेंटेड होता है, क्या होता है, सिलेटेड होंगे, नॉन सिगमेंटेड होंगे, इनके बॉडी में कोई भी सिगमेंट एरिया देखने के लिए नहीं मिलता। सिलेट का मतलब इनके बॉडी में सिलिया लगे होते हैं जो क्या करते हैं, फ्री सेविंग करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, फ्री सेविंग करने का काम करते हैं। एंड इनकी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन, क्या करें, टोकोफोर लार्वा कह सकते हो पूर्ण रूप से एक सेंसरी ऑर्गन कि जैसा बिहेव करता है, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये जो ऊपर की ओर आप यहाँ पे देख रहे हो टूफ ऑफ सिलिया बोल रहा है, ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा एरिया पूरा पूरा सेंसरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है, मतलब इसको सेंस ऑर्गन, ब्रेन तो है नहीं, क्या है, ब्रेन तो है नहीं, ब्रेन के जैसा बिहेव करता है हमारा ऊपर की ओर पाया जाने वाला सिलेटेड पार्ट्स। अब बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस की, आखिरकार मेटामॉर्फोसिस क्या है। ठीक, यहाँ पे मीसोडर्म का बात आया तो आपको बता दे कि इनका जो सिलोमिक कंडीशंस होते हैं, क्या होते हैं, सिलोमिक कंडीशंस होते हैं वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म और मीसोडर्म तीनों पार्ट से कंप्लीट होता है। बात करें एक्टोडर्म से कंप्लीट होने के बाद ये ब्लास्टोसील बनाता है, एंड जो हमारा इंडोडर्म होता है, ठीक, इंडोडर्म से हमारा छोटे छोटे जो आहार नाल होती हैं, मतलब पूरी स्टेंटाइन्स होती हैं, और हमारा स्टमच होता है वो किससे बनता है, वो बन जाता है एक्टोडर्म से, और मीसोडर्म से हमारा सिलोमिक कंडीशंस, एंड हमारे पास उसी एक्टोडर्म से ही हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा ब्लास्टोसील बन जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। एंड बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। ये तो इस टेंडेंसी में पाया जाएगा, लेकिन बदलाव होना जरूरी है, क्या है, बदलाव होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की, आखिरकार इनकी बॉडी को चेंज कैसे करें। ये तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो हमारा नेरिस वायरस था नहीं, क्या था, ऐसा तो हमारा नेरिस वायरस था नहीं। जब हमारा ऐसा नेरिस वायरस नहीं था तो इनमें क्या बदलाव होगा, किसके द्वारा होगा, ये तो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि इनके अंदर एक मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कायांतरण। कायांतरण आपने देखा होगा, सांप देखे होंगे जो हमारे ये होते हैं, सांप होते हैं, ठीक, तो सांप में आप देखे होंगे उसका केचुल निकलता है, मतलब अपनी बॉडी को ये कायांतरित करता है, नई तरीके से कंप्लीट करता है, केचुल को निकालता है, ओके। तो जस्ट लाइक वैसे इनकी बॉडी में क्या होगा, इनकी बनावट में, इनके मॉर्फोलॉजी में चेंज होती है, और ये ट्रोकोफोर जो लार्वा है वो पूरी तरीके से समुद्र में घूम रहा होता है, क्या होता है, समुद्र में घूम रहा होता है। जब ये समुद्र में घूम रहा होता है तो ये क्या करता है, ये कह सकते हो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आता है, और ये पैलेजिनिक, हाँ क्या होता है, पैलेजिक कहते हैं इसको, पैलेजिक एनिमल होता है, क्या होता है, पैलेजिक एनिमल होता है। जब ये पैलेजिक एनिमल धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे इनमें मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटी होती है, क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटी होती है, तो इस लार्वा टेंडेंसी का है, जो टोकोफोर लार्वा है, इसके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे जो हमारा नेफ्रेडिया होता है, क्या होता है, जैसे जो हमारा नेफ्रेडिया होता है वो बदल जाएगा, एंड नेफ्रेडिया विलुप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारे दोनों ये जो बैंड दिखाई देते हैं ये विलुप्त हो जाते हैं, और उसके बाद बैंड के साथ साथ और इनके जो सिलिया होती है वो विलुप्त हो जाते हैं, और इनके साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पे ब्रेन, ये जो हमारा यहाँ पे एपिकल टफ ऑफ सिलिया है और एपिकल प्लेट है, ये दोनों आपस में कंपोज होने के बाद ये ब्रेन का पार्ट बना लेंगे, क्या करेंगे, ये पूरा ब्रेन का पार्ट बन जाएगा, और इनके बॉडी में कह सकते हो जो पाइजीडियम था, पाइजीडियम ये पूरे पूरे जो पार्ट्स होते हैं स्टमच, एस्टेंटाइन, एनस, आपस में कंपोज होके एक क्या बना लेंगे, यहाँ पे पाइजीडियम का पार्ट क्लियर कर लेंगे, क्या करेंगे, पाइजीडियम का पार्ट क्लियर कर लेंगे, और ये जो गैंग्लियन दिख रहा है, और ये गैंग्लियन एक कह सकते हो कि आगे चल के जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे प्रोस्टोमियम थे, क्या थे, प्रोस्टोमियम का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यही प्रोस्टोमियम आगे चल के इनके बॉडी में अच्छे तरीके से क्या बनाता है, सेंस आर्गन जैसा बिहेव करने लगता है। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होगा क्या होगा, ये दोनों बैंड गायब हो जाएंगे, इनकी सिलिया गायब हो जाएगी, जो हमारा लार्वल नेफ्रेडिया ये गायब हो जाएगा, ठीक, इतना मेन ये गायब हो जाएंगे, एंड उसके साथ साथ
और हमारे पास जो एपिकल टफ ऑफ सिलिया है एंड एपिकल प्लेट है, ये दोनों आपस में कंपोज होके ब्रेन का पार्ट बना लेंगे। और ये गैंग्लियन जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटोस्टोमियल पार्ट्स को क्लियर कर लेगा एंड जो हमारा आईस होगा वो डेवलप हो जाएगा। ठीक, माउथ पहले से छोटा हो जाता है एंड उसके बाद जो लार्वल मसल्स हैं ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक, उसके साथ साथ क्या दिखेगा, ओसोफेगस एंड हमारे एस्टेंटाइन एंड जो हमारा एनिस एनस है ये आपस में कंपोज होके क्या बना लेंगे, पाइजीडियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये तो होता है पूरा पूरा ये पार्ट्स इसके बॉडी के अंदर जो चेंज होते हैं जब मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब सिग्निफिकेंस। आखिरकार कैसे देखें सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट्स को क्लियर करने में। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपको मैं पिछले अपने कई वीडियो में बताया है कि मेरे जो क्लासेस हैं, आप ध्यान देना, मेरे जो क्लासेस हैं मैं स्पीड बोलता हूं। ये आपको पता है कि आप अलग वीडियो जाके देखो, स्पीड बोलते हैं, हो सकते हैं बच्चे मेरे वीडियो कम देखते हैं, उनको ना समझ में आता हो स्पीड की वजह से। बट मैं ये जानता हूं कि अलग टीचर्स या फिर अलग पॉइंट से मैं आपको ज्यादा देने की कोशिश करता हूं, उसके पीछे रीजन है कि जो स्पीड है, आप बड़े लेवल में आ गए हो, जितना फास्ट मेमोरी रखोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धीरे धीरे वाला जमाना है गया, आप 9th 10th 11th 12th पढ़ लिए, ठीक, अब आ गए हैं बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेनी है। चाहे कोई कितना भी तेज क्यों ना बोले, चाहे कितना भी फास्ट क्यों ना चले, आप अपने ब्रेन को, अपनी कैपेसिटी को इतना डेवलप करो कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सको, उनके साथ चल सको। आप बोलो ना, आप आपके अंदर वो कह सकते हो इम्यूनिटी होनी चाहिए कि सामने से टीचर बोले एकदम तेजी से बोलते जाए ट्रेन की तरह, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एकदम, आप क्लास देख रहे हैं, बीएससी क्लास देख रहे हैं, आप पैसा पे करते हैं, 500 रुपए पर पेपर पे किए हैं इस वीडियो के लिए, तो आपको टाइम तो 2-4 बार तो मिलता ही है, 5 बार अलाउड है, लेकिन आप अपने ब्रेन को इतना कैपेबल बना दो कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो सके। धीरे धीरे वाला जमाना छोड़ो, क्योंकि यहां पे हमको ज्यादा पढ़ना है। 300 वीडियो जूलॉजी में है, 300 वीडियो जूलॉजी में है, 250 वीडियो आपके बॉटनी में लेंगे, लगभग 400 वीडियो 300 वीडियो केमिस्ट्री में है। सोचो कि एक दिन में आप 2-3 से 4 वीडियो देखते हो तब भी आपका पूरा का पूरा बीएससी कंप्लीट होता है। ये चीज ध्यान देना, जैसे मेरे क्लासेस के अंदर मेरे जब पूरे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक एक पेपर में 100-100 वीडियो मिलेंगे। बताओ जब 100 वीडियो मिलेगा तो आप एक पेपर को 100 वीडियो कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आगे चल के। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ था शुरुआती दिनों में आपको प्रॉब्लम ना हो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैं स्पीड इसी लेके जाता हूं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा बता सकूं, आपके पॉइंट्स को क्लियर करा सकूं, लंबा क्लास न जाए। चलते हैं, इसलिए मैं पहले से फिगर बना लेता हूं ताकि आपका क्लास का टाइमिंग बच सके, आप अपने नेट को बचा सके, डाटा को बचा सके नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। चलते हैं अपने बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस में बात करेंगे तो यहां पे सिग्निफिकेंस टोकोफोर जो लार्वा है, ठीक, टोकोफोर लार्वा सबसे पहले बात करें तो जो हमारा जल होता है, वाटर होता है, वाटर में डिस्पर्सल के लिए, क्या वाटर में डिस्पर्सल का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो टोकोफोर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि नेरिस उतना दूर नहीं जा पाता जितना टोकोफोर जाता है। ओके, चीज ध्यान देना। एंड इनकी बात करें, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ फैक्ट है यहां पे आप पैलियोजेनेटिक, क्या पैलियोजेनेटिक होते हैं, ये जाति वृत्ति दिखाते हैं, इनका एक अलग से क्राइटेरिया है, जैसे ये एनलिडा मोलस्का जो हमारा, उसके बाद ब्रेया जोया एंड अदर एनिमल जो हैं वो भी क्या दिखाते हैं, टोकोफोर लार्वा की अवस्था को प्रकट करते हैं। एक साइंटिक से जिसका नाम था हैसिक, क्या था, हैसिक नाम के साइंटिक्स ने लगभग 1858 के आसपास आए थे, हैसिक ने भी इनके एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, मतलब भ्रूण विज्ञान के, हाँ भ्रूण विज्ञानिक थे, भ्रूण विज्ञानिक हैसिक ने 1878 ईस्वी में, ठीक 1878 में उन्होंने बताया कि ये जो हमारे पास पूरा पूरा कह सकते हो टोकोफोर लार्वा होता है, ये पूरी तरीके से एक बड़ी सी पैलियोजेनेटिक कंडीशंस लेके चलता है, और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को या ढेर सारे ऑर्गेनिज्म इस टोकोफोर लार्वा के जैसा बिहेव करते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं इनके जैसा बिहेव करते हैं, यानी सबसे फर्स्ट
सिग्निफिकेंस इनका दो लिखिएगा। नंबर फर्स्ट कि ये कैसे होते हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्पर्सल यानी जल और वाटर डिस्पर्सल में काम आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान सबसे ज्यादा मूव करते हैं। दूसरा ये पैलियोजेनेटिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग फाइलम से भी संबंध रखते हैं, खासकर एनलेडा एंड मोलस्का से। ये आपका कंप्लीट होता है आज का ये क्लास।